हिडन प्रोफ नॉलेज टीवी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर सेलेक्ट करिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे क्यों बनवाया गया और क्यों इसमें आज तक लाइट नहीं लगाई गई है और बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया, जबकि आज के दौर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल सीमेंट से ही बनाए जाते हैं और कई सालों तक मजबूती से खड़े रहते हैं, जबकि ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है और करीब 370 सालों से बड़ी मजबूती से खड़ा है। फिर चाहे कोई आंधी तूफान या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, वो ताजमहल को नहीं हिला पाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिडन ट्रुथ नॉलेज टीवी में। आज के वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें और हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ताजमहल मोहब्बत की वह निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई यह इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। शाहजहां ने इसे अपनी तीसरी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था और उनकी याद में इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कर डाला। अब बात करते हैं इसको यमुना नदी के किनारे क्यों बनवाया गया। क्योंकि लकड़ियों से बनी हुई है ताजमहल की नींव। यह बात जानकर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइपों पर रखी गई है, वही ताजमहल की नींव लकड़ियों पर रखी गई है। कैसे लकड़ियों की नींव 370 सालों से ज्यादा टिकी हुई है, आइए आपको समझाते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना नदी ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि ताजमहल की नींव में लगी लकड़ियों को मजबूती प्रदान करती है। ताजमहल की नींव में लगी लकड़ियाँ आवनूस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आवनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर के समान होती है। अन्य लकड़ियों की तरह यह पानी पर तैरती नहीं है, पानी में डूब जाती है। इन लकड़ियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें कभी दीमक नहीं लगती और आवनूस की लकड़ी में यदि 30% या 30% से ज्यादा नमी बनी रहे तो यह लकड़ी कभी खराब नहीं हो सकती। इसीलिए यमुना नदी ताजमहल को एक खूबसूरत व्यू भी देती है और ताजमहल की नींव में लगी आवनूस की लकड़ियों को नमी प्रदान करती है, जिसकी वजह से यह लकड़ियाँ पत्थर से भी ज्यादा मजबूती से जमी हुई हैं। इसीलिए ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। जिस प्रकार मुमताज के बिना शाहजहां अधूरे हैं, उसी प्रकार यमुना नदी के बिना ताजमहल अधूरा है। इसीलिए ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। जब बात हो रही हो ताजमहल के निर्माण की, तो उस समय सीमेंट ही नहीं था, तो सीमेंट के बिना ताजमहल कैसे बनाया गया, आइए सीमेंट के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सीमेंट का आविष्कार 1824 में हुआ था, जिसे बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एस्प्रिन को दिया जाता है। इन्होंने ही दुनिया का पहला सीमेंट बनाया, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। अब सीमेंट तो 1824 में आया था और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हो गया था, यानी करीब 193 साल पहले कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के ये पत्थर। दरअसल सीमेंट के आविष्कार से पहले आर्किटेक्ट एक विशेष प्रकार का
पेस्ट तैयार करते थे। उसमें गुड़, बतासा, बेलगिरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीजों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था और यह पेस्ट सीमेंट जितना ही मजबूत हुआ करता था। ताजमहल के निर्माण में बहुत सारे सेमी प्रीसियस स्टोन जैसे कि फिरोजा, येमेनाइट, अकीक, लजवार्ड, सोलेमैनी, मूंगा, लहसानिया, ताम्रा, इस प्रकार के स्टोन यूज हुआ करते थे। ये स्टोन उस समय राजस्थान, उज्बेकिस्तान, रशिया, इजराइल और ईरान देशों से मंगाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज हुए थे जैसे कि पाईजाहर, तिलाई, अजूबा और नखूट। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास ये चारों मीनारें एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं खड़े हैं, यानी एकदम सीधे नहीं खड़े हैं। ऐसा जानबूझकर किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था अगर कभी भूकंप जैसी आपदा आती है तो ये चारों मीनारें ताजमहल से दूर गिर जाएं और ताजमहल को कोई क्षति ना पहुंचे। इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाएं और इस तरह ताजमहल पर भूकंप के झटकों का कोई असर ना हो और यह सुरक्षित बना रहे। दोस्तों बात करते हैं कि ताजमहल को बनाने में उस समय कितना खर्चा आया होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय एक रुपए की भी कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। आज ताजमहल की कॉस्ट $1-2 बिलियन यानी 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मॉन्यूमेंट को बनाने में खर्चा आया होगा। दोस्तों बात करते हैं कि ताजमहल में आज तक लाइट क्यों नहीं लगाई गई है। दरअसल ताजमहल का सफेद रंग लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अगर ताजमहल पर लाइट लगा दी जाए तो रात के समय ताजमहल के पत्थर लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे और ताजमहल ज्यादा चमकेगा और आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर चिपकेंगे जो ताजमहल के पत्थर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए आज तक ताजमहल पर लाइट नहीं लगाई गई है। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।